साफ सफाई करके अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी और बस लाइव सबसे बातें करी हैं और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए। मैंने आपको बताया लाइव में कि मेरे स्किन पे कुछ रिएक्शन कर गया और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप, अंगूठा भी पूरी तरीके से फट रहा है, तो इसी वजह से अब हम जा रहे हैं। और ये मैंने आज यही वाली चप्पल पहनी है, मैंने सर इस पे ही पहनती हूँ, बढ़िया। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है और सबके सब कह रहे टकलू बाबू आ गए, टकलू बाबू। चलो अभी गेट बंद करते हैं और चलते हैं ये वाला। हम लोग आ गए डॉक्टर के पास। हेलो छोटू। हेलो अपॉइंटमेंट पहले से लिया हुआ है लेकिन नंबर अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, हम लोग 7:15 पहले आ गए, तो बस 10 मिनट में लोग नंबर आएगा, डॉक्टर दिखाएंगे इनका फेस। हाँ बड़ा टेंशन हो गया मुझे, इसलिए मैंने अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है, मतलब कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ये देखो कोई देसी नुकसान है देसी क्या, एलोवेरा जेल लगा रहे थे बट मुझे लग रहा है क्योंकि हाथ में भी है ना, आराम लगा है लेकिन। और ये इसका बस चलता है ना, बॉटल लेके देखो देखो इतनी तेज मारता है अपने आप को और डर लगता है कि कहीं लगा ही ना ले। अधेला आ रहा था इसको, पता नहीं क्या समझ आता है इसको, हमारी उंगलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। देखो अच्छा बाल छोड़ो पहले, मेरा बाल छोड़। अच्छा पार्क को पार्किंग कर दिया, फिर ऊपर ये पार्क बना दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने ठीक काम तो किया है, यूटिलाइज भी कर लिया मोहल्ले का पार्क भी नहीं खत्म हुआ लाइफ स्टाइल। हाँ अभी हम लोग दवा लेके आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। और सच में स्किन की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, मेरे को यही बताया है कि एक सेकेंड मेरे को ये बताया कि मेरे को धूप से या फिर किसी तरीके की हवा से एलर्जी है बस, और कुछ नहीं, मतलब वही रिएक्शन करी है और कुछ नहीं है, तो बस कोई नहीं बोले सही हो जाएगा 10 दिन की दवा। फूल ना देखो, और यहीं पे मेरी शादी की गाड़ी सजी थी, बस यही याद आ जाता है मुझे। ये देखो ये बहुत ही क्यूट है, डॉगी का सही रेट लगा भाई, 100 रुपया लगा। मैंने लिया ये गन्नू भैया एक, तो भूतनाथ में भूतियाना पंती करते हुए जैसे गंज में गंजिंग लोग करते हैं ना।
वैसे भूतनाथ में भूतियाना करते हुए हम लोग जरा से बोल दो कि लोग कैमरा लेके थोड़ा ब्लॉग और जरा आप लोग बताना ऐसी तैसी कर देते जरा आप लोग बताना कौन कौन भूतियाना करने आते हैं यहाँ पे अरे हटो नहीं पता है वो इस समय कैसे याद आ गया तुमको देखा ना हाफ अच्छा हाफ पैंट देख के मुझे इनका हाफ पैंट ज्यादा है क्या बात बहुतेरे कलर है कितने चाहिए मैडम इधर देखिए मैडम कहाँ जा रही हैं आप मात्र 100 रुपए में देंगे डिस्काउंट के बाद आप कमेंट इतना ही करो यार यार ये देख के खुश हो जाएगा इसको पहनेगी तो हमारा बच्चा नहीं खुश है खुश हो जाता है छोटा सा दार मैंने छोटा सा दार बुलाया था गब्बर शेर ने सारी गब्बर सिंह तुम गब्बर शेर कहाँ से भेजे को मैंने बाबू दिख रहा था मुझे आगे देखो इसकी यही छोटा सा दार घटोत्कच गन्नू गन्नू घटोत्कच घटू बहुत अच्छा लग रहा था मैं उसकी फोटो खींच रहा था दही बताशे कहते भूतनाथ ये देखो बाबू ये देखो आ गई भूतनाथ वो देखो पहुंच गया बली मम्मी के बाद पहुंच गया इसकी आँख में ना कुछ दिक्कत हो रही थी तो आके डॉक्टर की आज अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई तो उन्होंने कहा आके हम यहीं पे दिखा लेते हैं ये देखो इसकी इस राइट वाली आँख में ना कीचड़ ला रहा है देखो अपने आप ही पकड़ के पास कर रही हो तो बस वही सोच रहे थे इनको बस दिखा लेंगे आज और कल की अपॉइंटमेंट ले लेंगे और लास्ट पता नहीं कहाँ से गया था गिफ्ट लिया है हमने एक कि ममता और नंद भैया की मैरिज एनिवर्सरी आज तो पार्टी कल है इसलिए उनके लिए गिफ्ट लिया है और बाल बहुत ये देखो ये आप देख रहे हो ना यहाँ के बाल मेरे थोड़े चले गए हैं क्यों चले गए ना घर जाके बताऊँगी आराम से ये देखो अरे ये देखो ये हल्का सा ये गैप नहीं दिख रहा आपको हल्का सा ज्यादा है बस हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी में ही छोड़ दिए ये जय माता दी वाले के हम जा रहे हैं अपना लेने एक्चुअली उन्होंने कहा सर ने देखते कहते मार लिया है तो ये बताया ना पोर्टल लेके ऐसे करके इतनी तेज तेज खेलता है ये कोई चीज़ लग जाती है वही इसकी आँख में यहाँ पे लग गई है तो वही आँख से पानी भी निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है तो कहते ये तो लगा ही रहेगा अभी बच्चे नहीं करेंगे तो फिर आप कितना देखोगे वही बात है ना तुरंत हम छीन लेते हैं बॉटल इसके पास से लेकिन फिर भी जो कांड इनको करने होते हैं वो तो कर ही देते हैं कैसे देख ये देखो मैंने कहा सर इसका मुंडन करा दिया तो कहते हाँ भाभी सब बताती रहती हैं तो अभी चलो लेते हैं उनका दूध का डब्बा भी ख़त्म हो गया वो भी निपटा लेंगे
आप लोग बताओ कि मेरा ये चश्मा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत पसंद, अभी देखने तो दो। हाँ, एक्चुअली मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो अभी भी आया है। जो मैं आपको दिखा रही थी, ये नाइट सूट जो मैंने इससे पहले ही बताया था कि मैंने नाइट सूट ऑर्डर करे थे, एक ये। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसमें से कौन सा पहन के आज घूमूंगी, तो नाइट, और उसके साथ ही मैंने ऑर्डर किया ये चश्मा। ट्रस्ट मी, बहुत सही है क्वालिटी वाइज भी। दिखने में कैसा लग रहा है? मात्र 500 रुपए में चश्मा। किसने का 500 रुपए का चश्मा है ये? 50 रुपए का, मैं 1 किलो बढ़ा दिया। किसने का 50 रुपए का चाचा बैठा था तुम्हारा? टेंडर की बात थी। नहीं यार, 500, ये चश्मा मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए का ऐसे ही कुछ है। चश्मा लगा के वो कैसे ध्यान से देख रहे हैं। और आप लोग प्लीज बताना कैसा लग रहा है। मुझे फिलहाल ये चश्मा काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग है। बोल जय माता दी। अभी मैं सोच रही हूँ दो और ऑर्डर कर दूँ, 15-20 दिन बाद अपने आप ही आराम से आ जाएंगे। ये आप पीछे देख रहे हो सामान रखा है, ये रखा हुआ है, ये गिफ्ट है जो कल हम लोगों को पार्टी में जाना है वहाँ लेके जाएंगे। गिफ्ट में आप सोच रहे हो हमने क्या दिया, मेरे को याद ही नहीं रहा। अदरवाइज मैं वीडियो में दिखा देती आपको कि मैंने आज की नहीं तो कल की वीडियो में डाल देती मैंने गिफ्ट में क्या दिया। याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अदरवाइज बहुत प्यारा सा हॉर्स है, इतना बड़ा सा जो ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे को वही अच्छा लगा। एनिवर्सरी में पता है आपको समझ में नहीं आता आप किसको गिफ्ट दो, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए आप अलग अलग क्या खरीदो, तो इसलिए एनिवर्सरी का बेस्ट ऑप्शन ये था आप घर के लिए कुछ दे दो, बिकॉज घर दोनों लोगों का ही होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का घर है। तो वही मैंने कहा घर के लिए कुछ मैं ले आती हूँ, तो भी मैंने ये लिया है। और साथ ही साथ मैं गन्नू के लिए कुछ अच्छे अच्छे खिलौने लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, देख के आपका दिल ना खुश हो जाए। तो नाम बदल देना, पैसे वापस। ये कैसा लग रहा है बताइए ना? अच्छा लग रहा है। मेरा लड़का फिसल गया मुझे देख के, कहता आऊ। क्या कह रहे थे? आऊ आऊ, देखो दिखाती हूँ ये। अरे हाँ, मैं और भी सामान लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं वो जो येलो, मैं उस दिन वो पिंक वाला टॉप लेके आई थी ना, वो टॉप मेरे को ना बड़ा छोटा पड़ गया, मतलब बड़ा नहीं छोटा पड़ गया, हल्का सा टाइट लग रहा था। मुझे वो टॉप बहुत पसंद था, मुझे लगा अगर उसमें मार्जिन होगी तो मैं खुलवा लूँगी, लेकिन उसमें मार्जिन कम थी, और इसलिए मैं उसको चेंज करके एक टॉप लेके आई हूँ और एक और टॉप लेके आई हूँ। ये देखो, और एक चीज़ देखो, 10 रुपये में मैंने सोचा आज मैं इस बार तो स्टाइल मारूंगी। पहले मैंने लेने के लिए गई, गई, फिर मुझे याद आया कि ये पहनने के बाद मैं गन्नू को कैसे लूंगी, गन्नू ने अगर खींच दिया तो हमारा कान सही था, हम बाहर आ जाएंगे। तुम्हारी बात हो रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात हो रही है। इसको नाइट सूट पहना दो जरा, कपड़े कंफर्टेबल कुछ। हाँ ये देखिए, तो ये मैं लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। पहले तो हमने मना कर लिया, हमने कहा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में जब उसने कहा ना मैम 10 रुपए के, मैंने कहा यार 10 रुपए के यार रिस्क तो मैं गन्नू के लिए ले ही नहीं सकती हूँ। और आप लोग बताइए, मेरे घर का सेटिंग हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये दरवाज़ा बंद करना था, इस वजह से हमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर वो चीज़ें लगा दी हैं। करना किस वजह से था, वजह नहीं बता दूँगा। वजह यही है कि एसी लगा इस कमरे में, अभी इस कमरे में इसलिए एसी लगवाया बिकॉज अंदर मतलब पूरे घर का वॉट बढ़वाना है, 4 किलो वॉट ही है, तो उसको बढ़वाने के लिए फॉर्म वगैरह लाना था, बहुत काम थे, तो इसलिए हम लोगों ने पहले सोचा इस कमरे में एसी लगवा देते हैं, उस कमरे का देखा जाएगा बाद में। बड़ा झंझट था। और ये लेके आए हैं, ये देखो ये। हाँ तुम तब तक बातें करो सबसे, हाँ तब तक मैं बाकी चीज़ें, और मैं जो रास्ते में डिस्कस करी थी वो ये करी थी, यहाँ पे जो हल्के से बाल चले जाते हैं वो इस वजह से, मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग जो सिंदूर लगाते हैं वो हमेशा, हम क्या करते हैं जो सिंदूर लगाते हैं वो हमेशा मंदिर में सिंदूर मिल जाता है या बाकी जगह से मिल जाता है, वही अपने सिंदूरदान में डाल के वही लगाते रहते हैं।
यार पता है मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, बहुत कम ध्यान दी कि अच्छा मतलब मेरे को, मैंने सच बताऊँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। मैं ये नहीं कहती इंसान का पैसा या कोई भी चीज़ के लिए कहता है, वो ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि वही सिंदूर अच्छा होता है हम लगा लेते हैं। लेकिन पता है क्या दिक्कत है कि उस सिंदूर में ना वो लोग बहुत ही केमिकल डाल देते हैं, बुरबुरा डाल देते हैं, कभी कभार कलर भी डाल देते हैं, आपने देखा होगा। तो वो इतना ज़्यादा नुकसान करता है अपने स्किन को, इतना ज़्यादा नुकसान करता है कि यहाँ के मेरे बाल हल्के से निकल गए हैं। तो प्लीज़ जो गलती मैंने करी है वो आप लोग बिल्कुल ही मत करो। अगर आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप लोग नहीं की यूज़ कर रहे हो ये वाले सिंदूर, चुटकी भर डाल लो अपने सिंदूर में, प्रसाद का है वो आपका चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी वो सिंदूर यूज़ मत करो, मैं बहुत बुरा झेल रही हूँ। आप ये देख लो यहाँ से इतनी मेरी ये बाल ही निकल गए हैं यहाँ के, आप ये जान लो थोड़े थोड़े बाल निकल गए हैं। तो इस वजह से उनके पास सिर्फ ये, मैंने बोला अच्छे से अच्छा वाला दे दो, तो उनका ब्लू हेवन का था पाउडर वाला मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा मैं अभी लिक्विड वाला सिंदूर मंगाने जा रही हूँ, कलर बाल, लॉरियल या किसी भी चीज़ का, जो सबसे बेस्ट सिंदूर होगा। बिकॉज पता है क्या, सिंदूर ऐसी चीज़ है 100, 200, 300 रुपये हमें उसमें लगा देना चाहिए, क्योंकि हम वो यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ की स्किन बाल बहुत दिक्कत करता है। और इसके अलावा ये लीजिए, मतलब इतनी खुशी होती है ना जब हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और हम उनके लिए कुछ लेते हैं, तो ऐसा लगता है। ये देखो, ये देखो, अरे तुम कूद, हाँ लो कूद, अरे कूदो बेटा, ये ऐसे करके ना पूरा चलता है। जब गन्नू अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, वो क्या बोलते हैं जब रोल का वो, हाँ वो करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, यार ये कूद ही नहीं रहा है, पागल हो गया है, ये ऐसे करके कूदता है और मैं नहीं कूदा पा रही। हाँ मैं पता है आपको डालोगे। और गन्नू के लिए ये लेके आए हैं, ये कितना क्यूट है ना, ये देखो, ये देखो, इतना अच्छा लगता है यार जब टॉय शॉप पे जाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको भी, ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। वो फटाक से हमने ले लिया, और ये तो इन्होंने ऐसे ही ले लिया, अच्छा लग रहा था इसलिए ऐसे ही ले लिया। टुको टुको, तो बस ये हम लोग लेके आए हैं, अभी जा रहे हैं खाने की तैयारी करने। नहीं कूद रहा है ना इसमें, जगह को एक सेकंड आप नीचे कराओ तो मैं दिखाती हूँ, नीचे दिखाओ। हाँ चलो, ये देखो नाइट सूट मैंने फैलाए हुए हैं यहाँ पे, अभी उठाती हूँ। लाओ जल्दी, लाओ जल्दी, लाओ, बंदर को लाठी मारेगा मारेगा। और सिर्फ ये 40 रुपीस का है ये वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ले लिया। और ये देखो कान के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बस हम गन्नू के चक्कर में हम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, वरना गल्लू ऐसे करेंगे और ऐसे खींच देंगे और हमारे कानों की ऐसी तैसी हो जानी है। कभी अकेले कहीं जाऊँगी घूमने तो पहन लूँगी। क्यों छोटू यार, जिस दिन मैं अपने पति को पूरी तरीके से रिश्वत दे पाऊँ कि आज तुम ही गन्नू को लोगे, यार ये चश्मा बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो काफी पसंद आया है। अभी मैं सोच रही दूसरा और मंगा लेता हूँ। चलो अभी खाना बनाते हैं, चल के बहुत शॉपिंग हो गई, बहुत मस्ती कर ली। वो देखो वो भी मस्त आ रहा है। ये तो बजाया नहीं, बजा के ये एक ड्रेस में लेके आई हूँ और 300 रुपए का है, उसी के शॉप से लेके आई हूँ। और यार ये मुझे बहुत परेशान आजकल करते हैं, मतलब तुरंत पहनते ही बोल रहे हैं इस ड्रेस में ना तो मोटी नहीं लग रही हो, आप बताओ यार ऐसे कौन कहता है। और ये इतनी इसकी लेंथ है कि आप आराम से पहन सकते हो, साइड से जरा सा कट है, मुझे बहुत सही लग रही है, बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए बहुत सही है ना। पकड़िए जरा कैमरा यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये ड्रेस मतलब बहुत प्यारी लग रही है। अब जाके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं बीच में, मेरे को लग रहा था यार मैं कहाँ क्या हो गया है मुझे। और कपड़ा मतलब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ डालने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप एक स्पेक्ट ही सेफ साइड में डाल लूंगी ब्लैक कलर की ही, और बाकी तो बहुत सही है। अरे हाँ भैया उन्होंने बोला था कि फोन कर लेंगे, ये देखो कैसी अच्छी है। हम आ गए किचन में, गन्नू आराम से भी सो गए। ये इसमें से मैंने एक नाइट सूट पहन लिया है और ये काफी कूल सा अच्छा लग रहा है। क्यों कैसा लग रहा है ये वाला, अच्छा लग रहा है।
एक्चुअली पता है क्या गलती होगी, मैंने ना साइज थोड़ा सा छोटा आ गया मेरा, मैंने एल साइज मंगाया था, वो कहते नहीं है किसी में कोई साइज होता है, कपड़े पे डिपेंड करता है, छोटा हो गया थोड़ा सा, हल्का सा छोटा है, पतला हो जाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कल का हमारा मसाला बढ़िया वाला तैयार रखा हुआ है, बस ये पनीर फ्राई कर रहे हैं और रोटी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है आजकल। पता नहीं क्यों, पता है वो चावल बहुत अच्छे हैं जो हम पापा इस बार लेके आए, पापा ने मुझे दिए हैं, तो बस हम वही चावल आराम से डालेंगे। क्यों अच्छा चावल है ना, बहुत सही चावल है, खा के बड़ा मज़ा आता है, तो वही चावल इसके साथ खाने वाले हैं हम लोग हैं। टेस्टी खाने का ऐसा लग रहा है बढ़ जाता है ना उस चावल से। फिलहाल खाता और ही टेस्टी होता है। मैं ऐसे ही कह रही, मैं कहीं और वो छोटा हो गया मोटी हो गया, तो कह रहे अरे मोटे के लिए तो मोटी चाहिए होती है, अब बताओ तुम। मोटे के हिसाब से मोटी, देखो मोटे के तरह मोटी होनी चाहिए ना। यार हम लोग ऐसे ही मस्त रहते हैं, और बच्चा हमारा सो गया, अभी आराम से हम खाएंगे, फिर फैलेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे फिर क्या करना है। कुछ खाने का मन जरा चटपटा से, इसमें कुछ तल दो, चिप्स इसमें कैसे तलेंगे, दो चार पापा ऐसे से तल लेंगे, सब तल जाएगा, कैसे मोटे नहीं होंगे यार, दिन भर तो सुखते रहते हैं मूंगफली के दाने। बट ये सारी चीजें तो अच्छी होती है ना, हमने हारमोन की वजह से हुआ ना, कभी मेरा इतना बढ़ा ही नहीं मोटापा आज तक, हाँ इसीलिए तो टेंशन में, कभी आते बिना बढ़ा ही नहीं मोटापा, प्रेगनेंसी में तो मिठाई होता है, उम्र के साथ भी थोड़ा बहुत होता ही होता है, कितना भी आप हमारे तो पहले से कम थे, एक ही था बस, नहीं बच्चे पेट तो मिजस निकला है ना, मुझे जो और निकला है और लापरवाह हो गया, मेरा बेटा है और निकला है, थोड़ा कम था कंट्रोल में, फिर से मैं अब मेरा बेटा एक्सरसाइज करा कर आके काढ़ा बना दिया, हम लोग ऐसे ही मस्ती मनाएंगे किचन में, पनीर पक गया है आप लोग देखो, और सच बताया तो ऐसे ही हर्बनाइज तो किचन में रहा करो, जितनी शिकायतें मार पिटाई जो भी कुछ करनी है यहीं पर किचन में निपटा लिया करो, ताकि बेडरूम तक कुछ जाए ही ना, गिले छिटके कुछ भी ना जाए, क्यों बन गया, मैं भी भूल जाती हूँ, ये देखो दोनों लोग बैठे हैं नीचे, ये लो क्या चाहिए, खाना खाना है, ये देखो मैंने खाना निकाल के रखा है, और खाना मटर वही पनीर और चावल बनाया हुआ है, और अभी इसका पेट भरा है, तो इसको बस इसी में ही थोड़ा बहुत खिलाएंगे, इसको आना है मेरे पास, इसलिए ये रो रहे हैं,
पीछे से कटोरी पानी को उठा दो, इनको इनको मेरे पास आना चावल खाना, गर्म तो नहीं था ना, और खुश हो जाता है। देखो 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 खाना खाते कैसे बातें करी गई। बाबू क्या खाया आपने? ये मसल की दीजिए चावल, पता है मुंह में चावल ही चावल भरता है। थोड़ा थोड़ा दीजिए, आप कितना ज़्यादा खिलाते हैं। बड़ा बड़ा बच्चे। हाँ खाइए खाइए, अंदर खाइए, अंदर लीजिए। खाते नहीं दिखाते थे। अच्छा ठीक है लो, नहीं दिखा देंगे, सॉरी। नज़र सही बात है, वैसे ही मेरे बच्चे को बहुत नज़र लग रही है। सोचो यहाँ पे चोट लग गई है उसको, आँख पूरी यहाँ से स्वेल। एक सेकेंड, बहुत टाइम हो गया, बहुत थक गए हम लोग। और ये हैं हम दोनों की दवाइयाँ, मतलब स्किन के डॉक्टर के पास आप चले जाओ, इतनी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं ना कि आप पूछो नहीं। अभी हम जा रहे हैं फेस वॉश, पता नहीं उन्होंने फेस वॉश दिया है क्या दिया है, मुझे भी नहीं पता। क्रीम बहुत सारी मुझे दी हैं, ये एक सोप दे दी है शायद फेस वॉश करने के लिए, तो इधर मैं कुछ इसी से फेस वॉश करूँगी। और दो ट्यूब ये मुझे दी है लगाने के लिए, एक दिन में और एक रात में। और ये इतनी दवाई दी है, एलवेरा नाम है इसका, मतलब एलर्जी ही है। दवाई तो बहुत सस्ती है, ये वाली 31 रुपीज़ की है। ये SPF 30 सनबैन दिया हुआ है, मतलब ये है कि उन्होंने सिंपल सनबैन ये दे दिया है कि अगर मेरी स्किन धूप से थोड़ी सी एलर्जी हुई है तो सनस्क्रीन दे दी है 600 रुपये की। और ये क्या दिया है, 121 रुपये का। और ये सोप है 140 रुपये की। बापरे, हाँ उन्होंने एक्चुअली वो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं है। मुझे हल्का सा मुझे लग रहा था उस दिन कि मैं कहाँ गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं धूप में मेरा फेस बहुत देर तक रहा था। तो होता है कभी कभार आपके बॉडी में शायद कुछ चेंजेस, आपको धूप से एलर्जी, एलर्जी नहीं कह सकती हूँ कि उस टाइम धूप मेरे को ना कुछ दिक्कत कर गई, क्योंकि उसी के बाद से ही तुरंत मुझे यहाँ पे, अरे दादा ये तो निकल ही नहीं रही है। अच्छा अभी वो पॉलीथीन नहीं हटी है, पतली सी एक जो लेयर होती है, और मैं उसको दबाए जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार ये निकली क्यों नहीं, अभी बाहर निकल के एक साथ सारी के सारी हटी। बोलती अबला देख लो मुझे। तो जो उन्होंने सोप दी है उससे मैंने अभी फेस वॉश किया है, और ये लगा लूँगी, बस 2-3 दिन लगाना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहाँ जहाँ है वहाँ, मतलब इतने ही एरिया में ये डॉक्टर ने कहा भी है कि मुझे बस यहाँ थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। यार अगर ऐसे नहीं होता, पता है कभी कभार यार तो वो कुछ खुश्क हवा चली है उससे हुई है, या ये रात में दो, ये दिन में 2-3 बार इसमें लगानी है जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है। तू कहती थी ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे। और ये लगानी है 2-3 बार। और अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ का जो ये फेस मुझे ड्राई लग रहा है, इसमें मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी लगा लेती हूँ जो हम लगाते थे, मेरी ख़त्म हो गई है, मुझे मंगानी है। वही तो मुझे ऐसा फील ही हुआ था कि मुझे ना किसी चीज़ से एलर्जी ही हो गई है, पता है। तो ये था मेरा आज का दिन, आपने देखा उतार चढ़ाव वाला कैसा था, मतलब अजीब से ही दिन गया है। लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छे से खाना खाते हो, डिनर करते हो, फिर साथ में फैमिली के साथ बैठते हो, सोते हो, बातें करते हो, लगता है कि हाँ ठीक है जैसा भी दिन गया वो बहुत अच्छा ही है। तो हमारे साथ यही हम दोनों के साथ में होता है कि एंड ऑफ द डे हम लोग यही करते हैं कि अभी ये उसको लेके बैठे, अपनी दवाइयों पे नाम लिख रहे हैं और बस इसको लेके बैठेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, बस हमारा दिन ऐसे ही निकलता चला जाता है। आपको पता है अभी भी मेरा बाल गीला है अंदर से, कि मैंने उत्ती जैसे जूड़ा बना लिया, तो मेरा बाल सूखने में बहुत टाइम लेता है। मतलब ये पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे बालों के साथ में, बहुत मोटा बाल है इस वजह से मेरा बाल नॉर्मली सूखने में 3 घंटे लेता है। अगर आप घर के अंदर गर्मियों में भी हैं तब भी आपका बाल, मेरा बाल सूखने में बहुत टाइम लगा। अभी देखो ना अंदर का गीला हो रखा है। कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ। यस कल क्या पहनेंगे ये भी बहुत मैटर करता है मेरे लिए।
अरे मेरे लिए नहीं, मतलब पहली बार मैं ऐसा कुछ पहन के बाहर जाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर कल का व्लॉग। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये नाइट सूट देख के बताइए आप लोग को ये वाला कैसा लग रहा है, बाकी मैं आपको वन बाई वन दिखाती रहूँगी। चलो बाय।